तो सर सत्य की खोज की सीरीज में लेकर आ गया हूं मैं आपके लिए एक और नया वीडियो, जहां पर मैं आपसे बात करने वाला हूं YouTube के उन वीडियोस के बारे में जो कि आपको कहते हैं कि आप किसी भी लड़की के मोबाइल नंबर इस ऐप से जो है वो निकाल सकते हो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन वीडियोस के बारे में कि क्या वो सच्चे है, क्या आप किसी भी ऐप से, कोई ऐसा ऐप है रियल में जहाँ से किसी भी लड़की के मोबाइल नंबर निकाल सकते हैं जो कि हमारे आस पास रहती है। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, आज हम उन्हीं की रियलिटी के बारे में बातें करेंगे। नमस्कार दोस्तों, क्लास तो आई शब्द है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ और इस वीडियो को बनाने का मेरा पर्पस, मेरा मेन मोटिव जो है वो क्या है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए। अब अगर सबसे पहले मैं बात करूँ कि यहाँ पर आपको जो भी एप्स के नाम बताते हैं यूट्यूब पर, जो वीडियोज आपको कहते हैं कि भाई ये ऐप जो है जिनसे आप मोबाइल नंबर निकाल सकते हो किसी भी लड़की के, तो यहाँ पर मैं किसी ऐप का नाम नहीं लूंगा क्योंकि ये यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं किसी ऐप का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आई एम श्योर आपने बहुत सारे ऐसे वीडियो देख लिए होंगे जो कि आपको अलग अलग ऐप्स बताते हैं जिनसे आप किसी भी लड़की के मोबाइल नंबर निकाल सकते हो, ऐसा वो वीडियोज कहते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम उनकी रियलिटी की बात करें तो यहाँ पर मैंने वो वीडियोज देखे हैं, यहाँ पर मैंने 8-10 वीडियोज देखे हैं क्योंकि मैं यहाँ पर सत्य की खोज की सीरीज में उन्हीं की रियलिटी के बारे में बातें करता हूँ। तो अब अगर हम बात करें कि यहाँ पर मैंने जो 10 ऐप टेस्ट किए थे, 10 ऐप को मैंने देखा था, वहां से क्या लड़की के मोबाइल नंबर निकलते हैं या फिर नहीं निकलते हैं, तो वहां पर किसी भी लड़की के मोबाइल नंबर नहीं निकलते हैं। लेकिन वहां पर जो नंबर होते हैं वो ज्यादातर हमारे इंडिया के नहीं होते हैं और ज्यादातर वो डीएक्टिवेट होते हैं। ठीक है, और वहां पर जो नंबर्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं कि भाई यहाँ पर जो लड़कियों के नंबर्स वहां पर आपको दिखाए जाते हैं वो फेक होते हैं, वो डीएक्टिवेटेड नंबर होते हैं, और जो नंबर जो ज्यादातर एक्टिवेट होते हैं वहां पर वो सिर्फ और सिर्फ 10% होते हैं, मतलब 100 में से कुछ 10 नंबर जो है वो एक्टिवेट होते हैं। और वो एक्टिवेटेड नंबर जो है वो किसके होते हैं वो मैं अब आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर जब देखिए आप उस ऐप को इंस्टॉल करते हो अपने मोबाइल में, तो वहां पर आपको सिंपली एक रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आता है या फिर लॉगिन का ऑप्शन आता है। तो वहां पर आप जब लॉगिन करते हो या फिर रजिस्टर करते हो तो वहां पर अपना नंबर जो है वहां पर आपको डालना होता है, और इसके बाद में पासवर्ड या फिर वहां पर कोई डेट ऑफ बर्थ वगैरह मांगता है तो हमें वो इन्फॉर्मेशन वहां पर देनी होती है। तो हम मोबाइल नंबर के लालच में वहां पर इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, हमारे मोबाइल नंबर दे देते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, वो ऐप क्या करता है कि आपके मोबाइल नंबर को अपने डेटाबेस में सेव कर लेता है, और फिर वो जहां पर वो उसकी लिस्ट बनी हुई होती है वो आपका नंबर भी वहां पर जोड़ देता है। तो फिर आपको क्या होता है कि वहां पर आपको नंबर जो भी एक्टिवेटेड लगते हैं कि भाई ये एक्टिवेट हो सकते हैं या फिर ये जो है वो चालू है और यहाँ पर हम मैसेज भेज सकते हैं, तो वो ज्यादातर लड़कों के नंबर होते हैं क्योंकि ये काम जो है वो सिर्फ और सिर्फ लड़के ही करते हैं। और यहाँ पर कुछ ऐप्स ऐसे भी है जहां पर आपको 8 और 9 डिजिट के भी मोबाइल नंबर देखने को मिल जाते हैं, मतलब यहाँ पर इंडिया में लगभग ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो कि 8 डिजिट का हो या फिर 9 डिजिट का हो, और ये आई एम श्योर कि आपको पता ही होगा। तो बस एट दी एंड अगर हम बात करें कि क्या आप उन वीडियोज को देखकर या फिर उन एप्स को जो है वो इस्तेमाल करके किसी भी लड़की के मोबाइल नंबर निकाल सकते हो या फिर नहीं निकाल सकते हो, तो अब तक आई एम श्योर कि आपको पता चल गया होगा कि ये साफ है, यहाँ पर आप जो वो वीडियोज देखते हो वो सारे के सारे वीडियोज फेक है, उन पर ट्रस्ट मत कीजिए। वहां पर जो आपको नंबर निकालने के लिए जो ऐप देते हैं वो ऐप आपकी डेटा चोरी कर सकते हैं, आपके मोबाइल का सारा डेटा जो है वो चुरा लेंगे, और यहाँ पर आपका जो मोबाइल है वो हैक हो सकता है। अब जो आपकी पासवर्ड वगैरह जो भी होते हैं वो अगर आपका जो वो ऐप है वो बैकग्राउंड में चलता है आपको नहीं दिखेगा, तो वहां पर आपके जो भी पासवर्ड वगैरह आप जहां पर भी टाइप करते हो या फिर अपने क्रोम ब्राउजर में या फिर कहीं पर भी आप जाकर अपनी कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो या फिर पेटीएम भी यूज करते हो, तो वहां पर भी वो एप्स जो है वो आपके डेटा चुरा सकते हैं और आपको जो है वो फाइनेंशियली लॉस भी हो सकता है उन एप्स के चक्कर में, उन नंबर्स के चक्कर में, लेकिन वहां पर आपको नंबर जो है वो नहीं मिलेंगे। तो बस यही थी जो भी थी सच्चाई कि भाई यहाँ पर आपको जो है वो नंबर्स नहीं मिलेंगे लेकिन वो आपको उल्लू जरूर बना देते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। सत्य की खोज की प्लेलिस्ट अगर आप पूरी देखना चाहते हो तो यहाँ पर आई बटन में चेक कीजिएगा, यहाँ पर आपको पूरे के पूरे 50 से लगभग यहाँ पर आपको वीडियो देखने मिल जाएंगे जो कि आपको यूट्यूब पर फेक इन्फॉर्मेशन देते हैं और यहाँ पर मैं उनकी रियलिटी बताता हूँ। और अगर आपको इस वीडियो में अभी भी कोई भी सवाल है सुझाव है आप बेझिझक कमेंट करके जरूर बताइएगा, कोई भी टॉपिक है तो टॉपिक आप बता सकते हो, उन पर वीडियो जरूर बनेंगे। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, नीचे वाला बेल बनेगा उसे भी दीजिएगा क्योंकि अगर आपको ऐसे अच्छी अच्छी वीडियोज की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।